ज्योतिषी जी ने कहा था आज का दिन बड़ा शुभ है। देखो तो जरा इसमें क्या है। डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स? तुझे मैंने कहानी सुनाई थी ना शर्लक होम्स की, मिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स। हाँ, ये किसी जरूरी अग्रीमेंट के दस्तावेज लगते हैं। 10 लाख, 25, अरे 55 लाख। 55 लाख हमें कितने मिलेंगे? हमें को मिलेंगे, दूसरे के हैं तो क्या हुआ, दूसरे की सही। लेकिन हम इसकी इतने जरूरी अग्रीमेंट वापस करने जाएंगे तो क्या हमें कुछ इनाम नहीं देगा? अरे मैं होता तो आधी जायदाद दे देता। और तेरे जैसे सब पागल तो है नहीं। पागल ही सही। हो सकता है हमारा खोया हुआ चाचा हो या बचपन में बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई हो। अरे पता लगने पर क्या हमें आधी जायदाद नहीं देगा? अरे हमें तो उस पर हक है। अरे ये चाचा और जुड़वा भाई की कहानी फिल्म में होती, हकीकत में नहीं। कागज दूसरे के हैं, गलती से हमारे हाथ लग गए, हमारा फर्ज है उसे लौटा देना। अरे फर्ज तो है लेकिन कुछ आता पता ठिकाना मालूम हो? है, है, है। क्या है? देवी की नंदन दया शंकर 402 सिल्वर अपार्टमेंट माउंट रोड जो, चल ढूंढते हैं। शुभ शुभ शशि ग्राम बराबर। माउंट रोड मिल गया। अब सिल्वर अपार्टमेंट क्या चंडोरा इंदौर भाई साहब, ये सिल्वर अपार्टमेंट कहाँ है? सिल्वर अपार्टमेंट यहाँ से सीधे जाकर आगे से बाईं तरफ मुड़ जाइए, वहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे किसी से भी पूछ लेना। साहब साहब कोई बताता ही नहीं, क्या मैं नहीं मालूम। चलो अपन ढूंढ लेते हैं। बॉल प्लीज, बॉल प्लीज, अंकल बॉल दो, बॉल प्लीज, अंकल बॉल दो। ऐसा नहीं करता भवानी, बच्चे हैं, खेलो पर। बॉल प्लीज। अब कब तक फेंकता रहेगा, वो फिर नीचे आ जाएगा बॉल। तो एक काम कर, ऊपर जाके दे आ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। जा अरे तुम्हारी हजामत हुई या नहीं, जरा इधर तो सुनो। ओफो, इस बंटी ने तो नाक में दम कर रखा है। बंटी जरा आवाज धीमी करो। अब ये शुरू हो गए। अरे पिंकी जरा आवाज कम कर। अरे कहाँ हो? मैं कब से चिल्ला रही हूँ, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं, यहाँ बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे हैं साहब। अरे क्या कर रही हो? यही पढ़ रहे हैं ना कि 10 आदमी यहाँ मरे, 20 आदमी वहाँ मरे, अपने घर में भी मारा मारी शुरू होने वाली है। हाँ अपने घर में क्यों? क्यों? तुमने प्लम्बर को बुलाया नहीं आया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया नहीं आया, 4 दिन से टीवी बंद पड़ा है, बंटी पागलों की तरह घूम रहा है, टीवी मैकेनिक भी नहीं आया, ये घर है या तबेला? अरे आएंगे बाबा, सब आ जाएंगे। कार डैडी। अरे क्या? हमारे नए डांस मास्टर कहाँ है? वो भी नहीं आया। कहाँ आए? अरे आएगा बेटा, वो भी आएगा। लेकिन कब? ये आएगा आएगा का गाना कब तक चलता रहेगा? डैडी मैं खुदकुशी कर लूंगा, सुसाइड। अरे बेटा अब तुम्हें क्या हुआ? मैं कह देता हूँ, अगर आज मुझे वन डे क्रिकेट मैच देखने को नहीं मिला तो जीना बेकार है। अरे बेटा इतवार का दिन है, वो भी आएगा, वो भी आएगा। 3 दिन से वो महारानी नौकरानी भी नहीं आई है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पिंकी बंटी चलो मेरा हाथ बटाओ। देखा दोनों तुम पर गए हैं, काम चोर। बहुत देर से देख रही हूँ मुंह पर रुमाल रख के बात कर रहे हो, क्या हुआ है मुंह को, जरा देखूं तो। अरे कुछ नहीं, एक दांत हिल रहा था। आप कौन सा दांत बाकी रह गया है, दिखाओ तो जरा। अरे थोड़ा ना, अरे क्या देखने का, छोड़। अरे अरे तेरे। ये क्या नाटक है, आधी मूंछ कहाँ गई? वो मैं मूंछ का अपनी शक्ल देखी है आईने में, ये आधी मूंछ क्यों बचा कर रखी है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम कटी हुई मूंछ फिर से चिपका सकते हो क्या? नहीं तो फिर ये आधी क्यों नहीं काट देते? सब कुछ मुझे ही समझाना पड़ता है इस घर में। कहा था 9 बजे आऊंगा,
अब आ रहे हैं हजरत। ये कोई आने का वक्त है? दो दिन से राह देख रहे हैं, कहा था 9 बजे आऊंगा पक्का, पता है क्या बजा है? जी मैं जी वो नीचे एक बॉल। दोनों बाथरूम के पाइप लीक कर रहे हैं और फ्लश भी खराब है, जाओ देखो जल्दी से, फुटबॉल खेलने गए थे। थैंक गॉड आप आ गए। अरे जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी आइए आइए आइए, जल्दी आइए जल्दी आइए। देखिए ये टीवी 4 दिन से बंद पड़ा है और मैच शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। तो मैं क्या करूं? कमाल करते हो, तुम नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा? आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, मैं आपको आधे घंटे की मोहलत देता हूँ। इसी आधे घंटे के अंदर अगर इसकी आवाज नहीं सुनाई दी तो तुम्हारी बोलती बंद, चॉइस इज योर्स। मैं अभी चौकिंग करके आता हूँ। मैं भी आता हूं आधे घंटे में जॉगिंग करके। हाँ 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए वो फैन खराब है, मुझे लगता है स्विच में कुछ खराबी है। आपको गलत फहमी है। अरे बाबा गलत फहमी कैसी, मुझे यकीन है कि स्विच में ही खराबी है, वो कभी चलता है कभी रुक जाता है। ये बात नहीं, देखिए जो भी बात हो वो आप देखिए और मुझे बताइए। क्या बताऊं? बताइए ये फैन चलता क्यों नहीं, और कभी इत्तेफाक से ये चलता है तो रुकता क्यों नहीं? ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। देखिए मैं भाव तोल नहीं करता, जो चार्ज है दे दूंगा, आप फुर्ती से काम कीजिए, पैसा लीजिए और चलते बनिए। वो रहा घोड़ा। घोड़े पर चढ़ना है? अरे घोड़े पर नहीं चढ़ोगे तो क्या, ऊंट पर चढ़ोगे? अरे भाई लकड़ी का घोड़ा है, उसके ऊपर चढ़ के काम करना है। ये रहा, इस पर चढ़िए और काम शुरू कीजिए, मैं अभी आया। अरे तू वहां कैसे चढ़ गया? अरे जल्दी उतार मुझे वो घोड़ा तो गया ले, हटे ना जल्दी। मेरा संभल के बराबर मैं तो आकर यहाँ फंस गया, मगर तुम यहाँ क्यों चले आ? अरे तुझे ढूंढने यहाँ आया तो एक मूछ कटी के ने मुझे इलेक्ट्रिशियन समझकर उस घोड़े पर चढ़ा दिया और मुझे टीवी मैकेनिक समझा। तू और टीवी मैकेनिक ज्यादा हंसोगे तो फंस जाओगे, चलो इस पागलखाने से भाग चलते। अरे भाग कर रहे हो और यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो टीवी ठीक करो। बेवकूफ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं गॉगल लेने आ गया, नहीं तो अरे चलो जल्दी चलो 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 जल्दी। अरे आप कब आए मास्टर जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, चलिए मेरे कमरे में चलिए। मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? पढ़ाएंगे आप बड़े वो है मास्टर जी, आप पढ़ाएंगे नहीं आप मुझे सिखाएंगे। देखिए मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या सिखाऊंगा आपको। शिल्पा भी यही कह रही थी, आप बड़े नम्र हैं, आप अपने आप को बहुत छोटा बताते हैं, अच्छे गुरु की यही निशानी है। चलिए मास्टर जी टीवी, हाँ टीवी का ही प्रोग्राम है, तभी तो शिल्पा ने आपको मुझे कथक सिखाने के लिए भेजा है। चलिए मास्टर जी कथक।